कश्मीरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, हम देखते हैं भाईचारा बना हुआ है कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, बाबा के दरबार हम लोग तो जाने के लिए उत्सुक है ही हैं, लेकिन वो बाबा के दरबार ले जाते हैं हम लोगों को, उनमें बढ़िया उत्सुकता हमें दिखी है। हम मुस्लिम लोग अपने यात्रियों को अपने कांधों पे उठा के दर्शन के लिए ले जाते हैं। BSF के सब जवान वहाँ पे खड़े रहते हैं और आपकी टोटली सेवा करते हैं। नमस्कार, DNR24 के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं वाहिद भट्ट आपके साथ, और आज अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर के पानथाथियों के इलाके में। ये नया नेशनल हाईवे है और मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का है। जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू हो चुकी है पहले जुलाई से ही, साथ में यहाँ से यात्रा की जो है वो शुरुआत होती है। जब जम्मू से यात्रा पहुँचती है तो उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचती है और यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है बालतल के लिए। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग श्रीनगर की तरफ रवाना हो रहे हैं और श्रीनगर से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो रास्ता है यहाँ पे वो देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं कि बड़गाम पुलिस आपके यहाँ पे लगी हुई है, जो पूरी तरीके से मुआयना कर रही है चीज़ों का, और साथ में श्रीनगर में भी इसी तरीके का इंतजाम है। यहाँ पे आपको नदी नाले दिखेंगे, यहाँ पे आपको पूरा ग्रीनरी मिलेगी जब आप यहाँ से अमरनाथ के लिए जाएंगे, क्योंकि अमरनाथ के जो रास्ते हैं वो दो रूट्स हैं और हम जो रूट ले रहे हैं ये बालतल वाला रूट है, तो इसमें हम आपको पूरा दिखा सकते हैं। और आप देख सकते हैं पीछे से वहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस जर्नी में। और जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सारी चीजें इस अमरनाथ के दर्शन करते करते आपको यहाँ पे इन चीजों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। अभी अब हम लोग जो है हम लोग भीमना के इलाके में पहुंचे हैं और ये जो रूट है ये अमरनाथ के लिए खुसूसी तौर पे इस बार है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा जो है वो जाएगी बालतल के लिए, और यहाँ पे आगे हाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, साथ में यहाँ पे 28 CRPF भीमना का जो कैंप है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही रूट जो है ये आपको पूरी तरीके से यहाँ से कनेक्ट करके आप शादीपुरा पहुँचेंगे, और शादीपुरा के बाद वहां से हम लोग सुखबल के रास्ते से गांदरबल पहुंचेंगे। इस रूट पे आपको खाली जब हम पांता चौक से भीमना की बात करें तो दो ऐसे रास्ते हैं जहां पे आपको रोका जाता है, आपके जो टिकट्स हैं वो चेक की जाती है। एक तो जब हम पांता चौक पहुंचते हैं तो पांता चौक के इलाके में सबसे पहले आपकी टिकट्स चेक होती है, और उसके बाद जब आप भीमना के आसपास एरिया में पहुंच जाते हैं तो वहां से भी आपकी टिकट्स कभी कभार जो है वो चेक की जाती है, और वहां से आपकी जो जर्नी है आगे की वो फिर से शुरू होती है। अभी हम लोग HMT पहुंच चुके हैं, यही रास्ता है जो पूरे जम्मू से होते हुए पांथा चौक, उसके बाद भीमना से होते हुए HMT पहुंच जाता है, और यहां से फिर जो अगला सफर होगा वो यहां से पहुंचते पहुंचते शादीपुरा, और शादीपुरा से पहले ही भी बहुत सारे ऐसे नाके आएंगे जहां पे आपके कभी कभार जो है सिक्योरिटी चेकिंग होती है या वेदर अलर्ट को लेके आपको अपडेट्स दिए जाते हैं। अभी हम लोग अब श्रीनगर से रवाना होते हुए शालटेंग के इलाके में पहुंचे, और यहाँ से जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बोर्ड है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि श्रीनगर, यहाँ से हम लोग कंगन के इलाके पहुंचेंगे, उसके बाद सनमरग का रास्ता आएगा और वहाँ से होते होते हम बालतल पहुँच जाएंगे। यात्रा को श्रीनगर से सुबह 9 बजे छोड़ा जाता है, जो बांडीपुरा के रास्ते शिवपुरा पहुंचती है 10:30, और 10:30 शिवपुरा से निकलती है और शिवपुरा के बाद वो पहुंचती है यहाँ पे सुंबल बांडीपुरा, और सुंबल के बाद यहाँ पे आगे जो यात्रा है इनको रोका जाता है, और यहाँ से उसके बाद जो यात्रा है वो अपना पड़ाव शुरू करती है, और उनका अगला पड़ाव जो होता है वो यहाँ से आगे अभी 14 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर उनका अगला पड़ाव होगा।
वहीं जब हम गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गांदरबल में ही यहाँ से जो बालटल का डिस्टेंस है वो लगभग 75 किलोमीटर है, और रास्ते में ऐसे बहुत सारे नाके आएंगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे अमरनाथ यात्रियों को रोका जाता है, उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, उनकी टिकट चेक होती है। गांदरबल के नागबल इलाके में पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गांदरबल में भी सरकार ने पूरी तरीके से इंतजाम की गई है, खासतौर पर यात्रा को लेकर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यात्रा को वेलकम किया जा रहा है। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते को लेके मैं आपको ये बता दूं कि यही एक लोता रास्ता है जो अब यात्रियों को इस रूट से बालटल लेके जाएगी। कश्मीरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, हम देखते हैं भाईचारा बना हुआ है कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, बाबा के दरबार हम लोग तो जाने के लिए उत्सुक है ही हैं, लेकिन वो बाबा के दरबार ले जाते हैं हम लोगों को, उनमें बड़ी उत्सुकता हमें दिखी है। नागबल के बाद अगला पड़ाव जो होता है वो वेल का ये ब्रिज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अमरनाथ यात्रा से बस एक हफ्ता पहले खोल दिया गया था खासतौर पे अमरनाथ यात्रा को लेकर। और ये जो ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर में ऐसा पहला ब्रिज बनाया गया है, हाईटेक ब्रिज जिसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था, और ये ब्रिज जो है अमरनाथ यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी रात के 11:24 हुए हैं और हम लोग जस कंगन के इलाके में पहुंच चुके हैं। अभी भी यहाँ से बालटल का जो रास्ता है वो लगभग 62 किलोमीटर है, और अब ये डिसाइड हुआ है कि आज कंगन में ही रुका जाएगा और कंगन के बाद हमारी जो जर्नी है कल अमरनाथ यात्रा की वो कल सुबह से शुरू की जाएगी। लगातार हमने आपको कल पूरे दिन दिखाया कि किस तरीके से जो अमरनाथ यात्रा का रास्ता है वो श्रीनगर से होते हुए गांदरबल, बांडीपुरा, बड़गाम इलाके से कवर अप करते करते यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ पे हमारा जो दूसरे दिन का सफ़र है वो शुरू हो रहा है अमरनाथ यात्रा को कवर करने का। बालटल यहाँ से अभी भी लगभग 57 किलोमीटर है, और उसके बाद बालटल से आगे का जो रास्ता है वो लगभग 16 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पे लोग अक्सर ट्रैक करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो दर्शन करके वापस आ जाते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं हारीगंजवन के इलाके में, और यहाँ पे जो रास्ता है अमरनाथ के लिए जो ऊपर से रास्ता जाता है तो वो अमरनाथ के लिए रास्ता जाता है, और जो नीचे वाला रास्ता है ये रास्ता आगे के गांव में जाता है। और यहाँ पे अक्सर बेशतर ऐसा हो जाता है कि जो अमरनाथ यात्री है वो अपना रास्ता जो है वो भूल जाता है, क्योंकि नीचे का रास्ता जो है वो आगे जाके उसी मुकाम पे पहुँचता है, उस वजह से यहाँ पे कम से कम यात्रा जो है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो रास्ता है वो अमरनाथ का रास्ता है, और यहाँ से वो अपना सफ़र आगे बढ़ाते रखेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोंड रजन के इलाके में, और यहाँ से अमरनाथ का जो फासला है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक दरियाई बह रहा है, दरियाई सिंध जो है, यही पानी जो है ये ग्लेशियर से आता है और उसके बाद आगे चला जाएगा, और यही पानी है जो अमरनाथ के ग्लेशियर के आसपास जितने भी है वहाँ से ये पानी आके आगे से झेलम में कनेक्ट होगा। और ये रास्ता जो है अमरनाथ यात्रियों के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि यहाँ से जो यात्री है इस दरिया का लुत्फानंदोज़ हो जाते हैं, और साथ में इस दरिया का लुत्फ़ उठाते उठाते वो आगे चले जाते हैं, और यही वो इलाका है जहाँ पे सरकार ने जड़मोहन टनल का जो काम है वो चल रहा है, और उसके बाद आने वाले समय में जो ये रोड होगा ये खासतौर पर 12 महीने खुला रहेगा। ये बहुत ही महत्व रखता है ये जो रास्ता है, बहुत सारे रीज़न है इसके। एक तो ये जो ब्रिज है ये कभी कभार यात्रा के लिए काम आता है,
और इसके बगल में जो दूसरा रास्ता है वहाँ से भी अमरनाथ यात्रियों को खासतौर पे लिया जाता है। और अभी हम लोग गगनगिर के इलाके में पहुंच चुके हैं और यहां से जो यात्री का फासला है वो अभी भी लगभग 35 किलोमीटर है। अपने सफ़र के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गगनगिर से आगे, और बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है कि वो इस जगह इस तरीके की चीज़ें देखें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सफ़ेद सा पहाड़ भरा पड़ा है, ये सफ़ेद पहाड़ नहीं है बल्कि ये बर्फ़ से बना ग्लेशियर है। गगनगिर में सबसे अच्छी बात हमें क्या मिली अभी तक कि यहाँ पे यात्री के लिए ये सुविधा रखी गई है जहाँ पे वॉशरूम का इंतज़ाम है। एक और ख़ास बात है कि ये जो है एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह माना जाता है, हालांकि टूरिस्ट स्पॉट अभी बना नहीं है बल्कि टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। यहाँ पे जो ब्रिज है और साथ में पानी का नज़ारा है, इसको देखने के लिए ज़्यादातर जो यात्री है दर्शन करके या दर्शन से पहले यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर इस मौसम का मज़ा लेते हैं। जय भोलेनाथ, हम हरियाणा पंजाब से, मेरा नाम सौरभ बंसल है। हम यहाँ पे 4-5 जने आए हैं और हम यहाँ पे यात्रा के लिए आए थे। यात्रा हम परसों पहुँच गए थे और आज दर्शन करके उतर रहे हैं। अभी इस टाइम हम यहाँ पे सोनमार्ग के आसपास है। लगभग आप लोगों ने खबरों में ज़रूर सुना होगा जड़मोहन टनल के बारे में या जुजला टनल के बारे में। जो जड़मोहन टनल है वो यहाँ पे बन रही है क्योंकि सोनमर्ग का जो रास्ता है ये लगभग 6 महीने बंद होता है खासतौर पे विंटर में, और अब ये जो टनल है ये लगभग कंप्लीट हो गई है और ये जो ब्रिज है ये यहाँ पे रोड के साथ कनेक्ट करके जो टूरिस्ट है या यात्री है आने वाले टाइम में शायद 12 महीने खुली रखने की क्षमता रख सकती है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये 12 महीना खुला रखेगा। और खुले रहने के साथ साथ यहाँ पे जो आगे वाली टनल बन रही है, जोजिला टनल बन रही है, उससे भी ये फायदा है कि जो लोग हैं उनको भी आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। सात साल हो गए मेरे को आए हुए, 2023 है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पे सरकार का। बोले ना बुलाएगा, 2024 में भी आएंगे, 25 में भी आएंगे, 26 में आएंगे, जब तक जिंदगी है तब तक आएंगे। हाय, मेरा नाम है साधना शिंगाड़े, मैं पूना से आई हूँ। हम लोग परसों आए हैं कश्मीर में, अभी हम लोग अमरनाथ आगे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर है कश्मीर, देख के मन खुश हो जाता है। मिलिट्री बहुत ज़्यादा कर रही है हमारे लिए, ये सब यहाँ पे आके पता चला है, इन मिलिट्री का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, योगदान है उनका और हम लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजा सकते हैं। सनमार्ग से निकलने के बाद हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नीलग्राड, और नीलग्राड में क्यों रुके हैं ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीलग्राड में ही सबसे पहली सुविधा है जो यात्रियों के लिए मयस्सर है वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सरकार ने हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मयस्सर रखी है खासतौर पे यात्रियों को लेके, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं जो आगे जाके पैदल ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सरकार ने ये सुविधा रखी है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे लगातार हर 15-20 मिनट बाद एक एक हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार रवाना होता है और उसके बाद जो यात्री है वो अपने दर्शन करके वापस आ जाते हैं। हालांकि अब आप लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर गूंज रही होगी कि जो हेलीकॉप्टर सर्विस है इसकी बुकिंग कैसे की जाएगी। हमेशा कोशिश करें कि आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट पे जाके ही आप इसकी बुकिंग करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड के मामले भी अभी तक सामने आए हैं जहाँ पे यात्रियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। तो कोशिश करें कि जब भी आप अमरनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ही बुक करें, या ऐसा करें कि जब आप बालतल पहुंचते हैं तो बालतल में भी यहाँ पे सुविधा रखी गई है जहाँ पे आप बुक कर सकते हैं अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस। और साथ में मैं आपको बता दूँ, जो लोग ज़्यादातर ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो ये जो रास्ता है पूरा आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँ वो जूम करके आपको दिखाएँ कि जहाँ से ये गाड़ियाँ जाती हैं तो
यही एक रास्ता है जहां से यात्री जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए अपनी रवानगी आगे बढ़ाते हैं। हम फर्स्ट टाइम अपने यात्रा पे आए हैं कश्मीर। इधर का हमारा ड्रीम था, बहुत साल पहले ड्रीम था इधर आना, अभी वो ड्रीम पूरा हो गया। जब आप चढ़ते हो तब ऐसा लगता है कि हम चलो यात्रा छोड़ देते हैं, बीच में से हम चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये बाबा का जो आप देखोगे प्रताप ही ऐसा है कि जैसे जैसे आप चढ़ोगे, जिसको सांस की प्रॉब्लम होगी उसके लिए BSF के सब जवान वहाँ पे खड़े रहते हैं और आपकी टोटली सेवा करते हैं। खाना पीना सब मिलता है, आपके पास अगर कपड़े भी ना हो तो भी वहाँ सब अवेलेबल है, खाना पीना सब। मेरा नाम सुधीर तिवारी है, मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ और हम लोग हमारे साथीगण सारे जितने हैं सब लोग आए थे इस बार दर्शन के लिए। हमारा तो दूसरी बार है और हमारे बाकी कुछ साथियों का पहली बार था। अमरनाथ जी यहाँ पर पहुँचते ही एक बहुत अच्छी बहुत डिवाइन फीलिंग आई है। यहाँ का एटमोसफेयर ही इतना अच्छा है कि अपने आप ही ऐसा फीलिंग आता है जैसे हम बाबा के करीब हैं एकदम। तो यहाँ का एक्सपीरियंस वो बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल सब जगह सारे हमारे मिलिट्री वाले और हमारे लोकल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। भंडारे लगे हुए हैं, भंडारे बहुत अच्छे एकदम साफ़ सुथरा, और यहाँ का हिसाब मतलब यहाँ का हिसाब देख कर ऐसा लगता है कि जैसे सब स्वागत में लगे हुए हैं एक दूसरे। हमारा नगर पिछले 25 साल से यहाँ चल रहा है और प्रशासन का हमारे नगर जिला में पूरा सहयोग रहता है। वो हमें हर तरह की सिक्योरिटी के हिसाब से, जो पब्लिक सैनिटेशन के हिसाब से, हर तरह की मदद करते हैं। अमरनाथ यात्रा करने के लिए लोग देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। ये जगह कौमी एकता की बेमिसाल है, साथ ही यहाँ के लोकल्स के लिए एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी है। आइए जारी रखते हैं ये यात्रा। देखिए जो यात्रा है ये सदियों पुरानी एक परंपरा है, एक भाईचारे की मिसाल है। आप देखिए जो ये यात्रा, इससे हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है। इस साल 62 डेज की यात्रा है, हम बहुत ही खुश हैं इससे कि इससे हमारा जो ये हमारा कारोबार है बहुत अच्छा चले। इस साल टूरिस्ट भी यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ आ गया कश्मीर में। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपनी गवर्नमेंट की। यात्रा खाली यात्रा ही नहीं है, ये भाई आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये भाईचारा है हमारे आपस में। हम मुस्लिम लोग अपने यात्रियों को अपने कंधों पे उठा के दर्शन के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे मंदिर है, मंदिर का दर्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनिस है, मैं बेसिकली गांधरबल से बिलोंग करता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि बेसिकली हमारे जितने भी यहाँ पे बाहर के विजिटर्स, टूरिस्ट्स या जितने भी यात्री हमारे यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, तो हमने कुछ खास सुविधाएं उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज हम उनको अवेल कराते हैं। इसमें मोस्टली लोग जो बाहर से आते हैं वो वॉलनट लेना पसंद करते हैं, वॉलनट कर्नल्स लेना पसंद करते हैं, कश्मीरी मामरा लेना पसंद करते हैं, या अपना जो कश्मीरी फिगर ये लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे यात्री ज्यादा ठहरा क्यों करते हैं? जैसे कि आप मेरे पीछे वो पहाड़ देख सकते, उसके पीछे थाजवस ग्लेशियर है जिसको देखने के लिए यहाँ पे यात्री रुकते हैं, और इसके बरक्स भी यहाँ पे आप देख सकते काफी सारे मीडोज है जिसको देखने के लिए भी यात्री आते हैं। और अब अगला पड़ाव हमारा बालतल की तरफ होगा, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि बालतल में भी यात्री कैसे सफ़र करते हैं। और अभी तक जितने भी पड़ाव थे हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरह से कहां कहां चेकिंग पॉइंट से कहां कहां यात्री को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। डेरा 24 की टीम कल रात अमरनाथ के बेस कैंप पे पहुंची थी और वहां पे
हालांकि सिक्योरिटी रीजंस को लेते हुए किसी भी पत्रकार को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद जब हमने प्रशासन से बात की और उनको बताया कि DNN24 असल में करते क्या है और DNN24 का मकसद क्या है, उसके बाद हमें आगे 2 किलोमीटर आगे जाने की इजाज़त मिली और वहाँ पे हम लोगों ने विजुअल्स लेने की इजाज़त दी गई और जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन दिया गया था उसमें खाली 25 मिनट के लिए दिया गया था और उसमें हमने कोशिश की कि हम जो आसपास की विजुअल्स हैं उनको कैप्चर करें। सरकार ने पूरी तरीके से पाबंदी लगाई थी कि कोई भी पत्रकार जो है वो आगे ना बढ़े और उसके बाद हमने वहाँ पे यात्रियों से बात की और वहाँ पे जो लंगर वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। साथ में वहाँ पे चाहे खाने की बात करें या जो भी फैसिलिटीज़ है यात्रियों के लिए वो काफ़ी अच्छे तरीके से रखी गई है। हर एक स्टेप पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है और साथ में BSF, CRPF, आर्मी और JK पुलिस के जवान जो है वो लगातार इस रूट पे जो है तैनात हैं, जो पूरी तरीके से यात्रियों की मदद के लिए रेडी रहते हैं और यही उम्मीद है कि ये जो यात्रा है वो अच्छे से सफल हो और लोगों की जो मनोकामनाएँ हैं वो पूरी हो जाए। मैं महेश कुमार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर आया हूँ। मेरे को यहाँ पे मेडिकल कराने में बड़ा अच्छा लगा। बालटाल पे गया तो उन्होंने भेजा कि इस जगह पे आइए, आपका मेडिकल भी होगा और बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। इन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, कोई पैसा नहीं है, कोई किसी को कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेशन किया इन्होंने। देखो सर, उनके लिए हमने यहाँ पे सुविधा रखा है सर, उनको ECG करना है, उनको CBC करना है, उनको ब्लड शुगर करना है सर, वो तो सब कुछ फैसिलिटी हमने यहाँ ही रखा है सर, अपने हॉस्पिटल के अंदर सर। बाकी जो अगर यात्री वहाँ से कोई बीमार भी पड़ जाता है सर, उसके लिए भी हमने सब कुछ इंतज़ाम यहाँ रखा है सर। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, हम उनके लिए 24/7 हाजिर है सर। असल में यात्रियों को जब आना चाहे ना यहाँ पे सर, उनको फार्म साथ में लेके आना चाहिए और फिलअप करके लेके आना चाहिए, हमें यहाँ आसानी हो जाए कि हम टेस्ट उनको करें और उनको भी जल्दी हो जाए कि वो अपनी यात्रा दर्शन करने के लिए जल्द अज जल्द जाए। वो फ्री ऑफ कास्ट हम देते हैं सर, उनका कोई प्राइज नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, ठीक है ना सर, क्यों यात्रियों के लिए। हाँ, बाकी जो लोकल हमें आते हैं सर, मतलब ये बिजनेस वाले आते हैं सर या और कोई आते हैं घोड़े वाले सर, उनके लिए हमने रखा है 20 रुपये खाली टेस्ट करने के लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ये मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं, आपकी नज़र में एक स्टोव जैसा लग रहा होगा, हालांकि ये स्टोव नहीं है, ये बायोमास है। और ये बायोमास काम कैसे करता है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा। बायोमास का जो मैंने आपको बता दिया था कि सस्टेनेबिलिटी वे में जो सहा ने काम शुरू किया है ग्रीन यात्रा बनाने के लिए, ग्रीन बालटाल बनाने के लिए, ग्रीन अमरनाथ यात्रा बनाने के लिए, ये भी एक अहम रोल निभा रहा है उसमें। यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है सारा सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम के ज़रिए यहाँ पे हम लोग बायोमास में ये जो मेरे हाथ में आप छोटे छोटे बायोमास देख रहे हैं वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करके यहाँ से इसको रेडी करके उसके बाद जो हमारा अंदर सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ पे हम लोग खाना जो है बनाना शुरू करते हैं और ये इस तरीके से पूरी तरह इको फ्रेंडली और इको एनवायरमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी वे में किया जाता है। अगर हम कट ऑफ टाइम की बात करें और लगातार जो यात्री आएंगे वो 2 बजे के बाद सनमर्ग से वापस श्रीनगर के लिए नहीं जा सकते। आपको अगर आप अपनी यात्रा के दर्शन सुबह सवेरे करते हैं तो कोशिश करें कि आप 2 बजे से पहले ही सनमर्ग को क्रॉस करें ताकि आपको यहाँ पे रोका ना जाए। अगर आप 2 बजे के बाद इस लाइन को क्रॉस करते हैं, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ से आगे आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और आपको रात को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।